मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफर में बिलीव इन पाकिस्तान एंड मेड इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि हम हमेशा ही पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए काम करते हैं, नेशनली या इंटरनेशनली। हम आपके साथ ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज़ को और अपने ऐसे ऐसे स्टार्स को मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दी होती, बल्कि अपने शोबे में रहते हुए वो उन्होंने एक आला मुकाम हासिल किया होता है। आज हमेशा की तरह एक ये 114 एपिसोड जो कि 114वीं एपिसोड होने जा रही है, और इसमें मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो सिर्फ ना सिर्फ हमारे लिए बायस फ़ख्र है, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र के बायस है। जब जब उनको मौका मिला, उन्होंने अपने वसात से बढ़ के पाकिस्तान को सर्व किया। और ये उनके, अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाऊँ, जी मैं एक ऐसे इंसान की बात आपको बताता हूँ, सक्सेस स्टोरी शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ, जिसने लैलपुर में पैदा हुआ और दरख्तों के नीचे रहते हुए तलीम हासिल की। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उसको जब मुल्क के लिए खिदमत करने का मौका मिला, ना सिर्फ बल्कि बरतानिया में वो 3 दफ़ा रुकने पार्लियामेंट रहे, और उसके बाद वो पंजाब की पग, जिसको हम कह सकते हैं उनके गवर्नर की पग, उनके ऊपर दी, और उन्होंने बहुत अच्छा सर्व किया। बहुत सारी पीपल्स, बहुत सारी जबातों में वो रहे हैं, उनका एक अपना प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो है, हैवी पोर्टफोलियो। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं हर दिल अजीज शख्सियत आपने मोहसिन, जी हाँ, मैं चौधरी सरवर साहब की बात कर रहा हूँ, जिनके पास एक नया अभी डेजिग्नेशन आया है, वो मुस्लिम लीग कायद आज़म के अभी चीफ ऑर्गेनाइज़र भी है, उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन इससे पहले हम उनके माजी के दृश्यों में जाते हैं, और मैं कोशिश करूंगा एक ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरी लाने की आपके आगे, कि जो आने वाले जो नए लोग हैं उनके लिए चौधरी सरवर साहब एक मसले रहा। जी वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में चौधरी साहब, बहुत खुश आमदेद आपको। मेरे लिए बायस फ़ख्र है कि आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। चौधरी साहब, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बताया कि मेरा फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीर तक, तो हम शुरू ही उन ख्वाबों से करते हैं। चौधरी साहब, जो आप बचपन में ख्वाब देखा करते थे, मुझे तो पता है कि उसकी तबीर हो चुकी होगी, लेकिन आप थोड़ा सा बताइए कि बचपन के ख्वाब, वो लैलपुर में पढ़ने वाला बच्चा वो यूके तक किस तरह पहुंचा, और उसके बाद फिर ये 3 दफ़ा आप रुकने पार्लियामेंट रहे यूके में, तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है बतौर पाकिस्तानी। तो ये आने वाले लोग जो कि शॉर्टकट चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा बताएं। एक तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो भी हमारे दोस्त भाई बहनें बेटियाँ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना मोटो होना चाहिए कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ। अगर आप मेहनत करें और नेक नियति के साथ काम करें, तो अल्लाह ताला आपकी हर मंजिल जो है उसको आसान कर फरमा देते हैं। मैं कोई 12 एकड़ के मालिक थे, मेरे वालिद साहब एक किसान थे, ज़िम्मेदार थे। मैं टाटों पे बैठ के, जैसे कि आपने फरमाया, पढ़ा था। फिर छठी जमात में मैं 2 किलोमीटर पैदल स्कूल जाया करता था, लैलपुर में नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्स गाँव में, सलीमपुर से 333 पैदल जाते थे, पैदल वहाँ से वापस आते थे। तो उसके बाद अल्लाह ने मौका दिया कि मैं बरतानिया चला गया, और बरतानिया में जब मैं वहाँ पर गया था, तो मेरे वालद साहब और वालदा और मेरी फैमिली एक काउंसल के घर में, ठीक, किराए जो मुमन हमारे ट्रेंड है उधर, किराए पर रहते, जी ठीक, एक छोटा सा घर था, और मेरे भाई की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें मैंने एज ए शेल्फ पैक कर काम शुरू किया। और उसके बाद फिर मैंने मार्केटें भी लगाई, जैसे जुमा बाज़ार, जी जी, आई नो
तो सर्दियों का मौसम होता था वहाँ पर स्टॉल लगाना, फिर कपड़े, संडे मार्केट। तो बड़ी मतलब टफ और मुश्किल हालात में अल्लाह ताला ने बिज़नेस में कामयाबी दी। और फिर उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आ गया, अल्लाह ताला ने पॉलिटिक्स में मैं ग्लासगो सिटी काउंसलर बना। फिर मुझे अल्लाह ताला ने बरतानिया का पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का शर्फ दिया। और फिर सबसे बड़ी एज़ाज़ की बात ये थी कि मैंने कुरान पाक पे हल्फ लिया। अच्छा। और वो कुरान पाक आज भी बरतानिया की पार्लियामेंट में मौजूद है और इंशाल्लाह क़यामत तक मौजूद है रहेगा। फिर मैं 3 टर्म्स वहाँ पर की, बिज़नेस में भी अल्लाह ने बड़ी बरकत दी। फिर मैंने सोचा कि मेरा जिस मुल्क से तल्लक है वहाँ हेल्थ की ज़रूरत है, वहाँ एजुकेशन की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पर फिर सर्वर फाउंडेशन के नाम से हेल्थ और एजुकेशन में काम शुरू किया। इस वक्त माशाल्लाह सर्वर फाउंडेशन के 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं। अच्छा। CSR के हवाले से। ओके। और तीसरा हॉस्पिटल जो है इंशाल्लाह बरकी रोड पर हम बनाने जा रहे हैं। एक स्कूल हमारा पीरमाल में है, दूसरा बरकी रोड पे इंशाल्लाह 1 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके अलावा पीने का साफ पानी हम, ये प्रोजेक्ट सर आपके उसको डिटेल बात होगी वैसे। फिर वुमेन एम्पावरमेंट के तहत हमने 30,000 से ज़्यादा बच्चियों को ट्रेन करके जॉब पे या आपको अपना जो है अपना कारोबार से रोज़गार शुरू कर लिए। मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। तो बस मैं तो समझता हूँ कि इंसान तो कोशिश करता है, अल्लाह ताला काम ले लेता है और अल्लाह ताला काम दे रहे। अच्छा, जो सब ये जितनी शॉर्ट आपने स्टोरी बताई है, लेकिन इट्स नॉट इजी जॉब, ये बहुत लंबी स्ट्रगल है। जब आप यूके में गए, यूके में सेट होना, आई नो मैं उसका पार्ट रहा हूँ, आप भी है, तो ये बहुत सारी आपने शब्बर रोज ऐसे देखे होंगे और बड़ी गमगीन स्टोरियाँ भी उधर होती है। और बिजनेस आपने किया, वो एक स्टेज थी उसके बाद जाके हुआ, लेकिन उन दिनों की कोई ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरी जो कि आने वालों के लिए बहुत ज़्यादा लोग इससे इंस्पायर हों, वो बताएं कि किस वक्त आप ज़्यादा परेशान हुए लेकिन आपने अपना विजन जो था वो क्लियर रखा कि नहीं यार मंजिल आपके कदम जरूर चूमे कि जो लोग ख्वाब देखते हैं। जी बिल्कुल जी। देखें, आप बिज़नेस कर लें, आप पॉलिटिक्स में आ जाएँ, आप चार्टी का काम करें, तो माउंटेन ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। जब मैं ग्लासगो सिटी काउंसिल बना तो उस वक्त तक मेरा कोई मुखालफ नहीं था। लेबर पार्टी के लोग भी मुझसे खुश थे, फ्रेंड सर्कल था, बड़ी दोस्तियाँ थी और एवरीबॉडी वाज सेइंग कि मोहम्मद इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। जब मैंने 1995 में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सिलेक्शन के लिए बनना चाहता हूँ पार्टिसिपेट, तो हेल बेंट ऑन, फिर हर बंदा जो दोस्त था मुखालफ हो गया। किसी ने कहा कि जी बरतानिया तो मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए तैयार ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि ग्लासगो के लोग जो हैं वो किसी काले को वोट देंगे, फिर पाकिस्तानी को वोट देंगे। तो बहुत मुश्किल थी, बहुत टफ टाइम था, बहुत लोगों ने डिस्कर्ज किया, बहुत से पाकिस्तानियों ने डिस्कर्ज किया कि अंग्रेज़ों के मुल्क में रह के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े होना नॉट ईजी जॉब। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बंदे के जब डिटर्मिनेशन थी मेरी कि भाई अगर बरतानिया की पार्लियामेंट में हिंदू मेंबर हैं, अगर बरतानिया की पार्लियामेंट में जूश मेंबर हैं, तो एक पाकिस्तानी या एक मुसलमान क्यों नहीं हो सकता। तो जितना मेरे ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा या जितना ख़िलाफ़ कंस्परेसीज, जितनी मुखालफत बढ़ रही थी, मेरी डिटर्मिनेशन ऊपर जा रही थी। तो मैंने इन तमाम हालात का मुकाबला किया अल्लाह के फजल करम से और उसमें जो है वो कामयाबी हासिल की। तो जहाँ तक डिप्रेशन का ताल्लुक है, वो तो भाई कभी ज़िंदगी में आप जैसे भी हैं, कभी मुश्किल वक़्त भी आते हैं, कभी आसान वक़्त भी आते हैं। तो जब मैं भी बच्चों को भी मैंने एक ही ट्रेनिंग दी है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि दुनिया में, पाकिस्तान में, यूके में खासकर बहुत ज़्यादा रिसेशन है। जी हाँ। महंगाई वर्ल्ड वाइड रिसेशन हुई है, एनर्जी के बिल 3-4 गुना हो गए हैं, एंड बिजनेस आर गोइंग थ्रू ए वेरी डिफिकल्ट एंड टफ टाइम। तो मैं बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ कि दिस इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब मुश्किल वक्त आता है, जब आपको बिजनेस में हो या पॉलिटिक्स में, तो उसमें अपॉर्चुनिटी भी आती है। अगर आप अपने फुल कोशिश के साथ उस पर डटे रहें कि नहीं मैंने सर्वाइव होना है, तो फिर मुश्किल वक्त में भी लोग चले जाते हैं। देखना, एक कंपनी चलती है,
वो एक अगर उसका चीफ एग्जीक्यूटिव होता है तो वो घाटे में जाती है, अगर यूं ही वो चीफ एग्जीक्यूटिव और आता है तो वो उसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो ये तो इंसान की अपनी विल पावर है, इंसान की अपनी डिटर्मिनेशन है कि वो क्या हासिल क्या करना और कैसे उसको क्या हम अगर अल्लाह ने हमें दे दी है गवर्नरशिप दे दी है, हमें कोई बड़ा ओहदा दे दिया है, दौलत दे दी है या हमें कोई और ताकत दे दी है, तो एक तो यह है कि मैं ऐशो आराम करूं, मतलब मौजें करूं और लाइफ अपनी को जो है वो इंजॉय करूं। दूसरा यह है कि अगर अल्लाह ने मुझे दिया है तो अब मेरी अब्लिगेशन है कि मैं गरीब लोगों के लिए क्या करता हूँ, रिटर्न लोगों के लिए मैं उसको रिटर्न जो है लोगों को दी। और ये एक बात मैं आपको बिल्कुल यकीन से और अपने तजर्बे से कहता हूँ, जिसने तकरीबन 50 साल से मैं इस हूँ पॉलिटिक्स में भी बिजनेस में भी, कि ये इंसान की लक है, मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर मुकद्दर तेज़ ना हो तो फिर उतनी मर्जी मेहनत कर लो कुछ हासिल नहीं होता। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने जैसे सब इसमें कोई शक नहीं कि आप मुकद्दर के सिकंदर हैं। जी 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 नाजिम, आप देख रहे हैं कि चॉइस सर्वर साहब हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। लेकिन उनके पास टास्क होगा कि अगर वो इतनी मेंबरशिप करेंगे, जब तक पीपी का सूबाई हलके का उम्मीदवार जब तक 200 मेंबर नहीं होगा कम अज़ कम, हम वहाँ तंजीम नहीं बनाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में चौधरी सरवर साहब आज हमारे मेहमान हैं। चौधरी साहब, एक बात तो आपके बारे में बड़ी कन्फर्म है कि आप दोस्तों के दोस्त हैं, और दूसरी आपकी क्वालिटी ये है कि आप सबको साथ लेके चलते हैं और आप पहचान रखते हैं इंसान की। लेकिन चौधरी साहब, आपने मुख्तलिफ जमातों में मुख्तलिफ अदवार में अपना रोल अदा किया और बड़े अच्छे तरीके से बखूबी जो भी आपको आला क़यादत की तरफ से ज़िम्मेदारी दी गई है। तो सब आपने तीनों चारों जमातों में रहे हैं, तो बुनियादी फ़र्क आपको क्या लगा कि तमाम के यहाँ सिस्टम एक जैसा ही है? कोई 19-20 का 19-20 का फ़र्क है, आप इसको चेंज करने की कभी? देखिए अभी मैं आपको एक बात जी प्लीज़, मैं अब 3 दिन से मुस्लिम लीग हाउस में आ रहा क्योंकि मैं सबको साथ लेके चलने चाहता हूँ। जी हाँ, मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 10 साल से 15 साल से वर्कर हैं, मैं उनका हक छीन के नए लोगों को भी नहीं देना चाहता। लेकिन एक से साथ साथ मैं ये भी करना चाहता हूँ कि नए लोग आएंगे तो पार्टी आगे बढ़ेगी। 10 हमारे MPA थे वो चले गए हैं, तो मेरा जो मेन कंसर्न है वो मेंबरशिप है कि मैं लोगों की मास मेंबरशिप करूँ, लोगों को दावत दूँ। मोबिलाइज़ ये एक जमात है जिसमें जमहूरियत होगी और ये जमहूरी तरीके से जमात चलेगी और मैं पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप जो है वो नहीं करूँगा। नहीं, ठीक है। उसमें मुझे 3 दिन लगे हैं एक एक घंटा का सेशन करके अपने काफ लीग के दोस्तों को, मुस्लिम लीग के दोस्तों को, कि भाई ये पॉसिबल। वो ये कहते हैं, उनका मौक़िफ़ यह है कि पाकिस्तान में पार्टियों में इलेक्शन होते हैं तो पार्टियों में आपस में तकसीम हो जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक भी इलेक्शन नहीं करा, नहीं कराया, एक भी नहीं करा, वो नारे की हद तक है। जो सरप्राइजिंग बात यह है कि दुनिया के बाहर के मुल्कों में करवाते हैं हर साल, पाकिस्तान में नहीं करवाते। भाई जब पार्टियों में जमहूरियत नहीं होगी तो फिर मुल्क में जमहूरियत कैसे आप चला सकते? हाउ इज़ पॉसिबल? तो मुझे इट टुक मी लॉन्ग टाइम टू एक्सप्लेन कि भाई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हम अगर ऊपर से नीचे जाएँ कि प्रेजिडेंट बनाएँ, हम अपॉइंटमेंट करें, क्योंकि मैं चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ, मेरे इख्तियार में है कि जिसको चाहूँ जो मैं दे दूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने रिजिस्ट करना है। मैंने अंडर माई लीडरशिप फैसले जो हैं वो लोकल लेवल पे होंगे, डेवोल्यूशन ऑफ पावर करूँगा। मैं अपने इख्तियार नीचे मुंतकिल करना चाहता हूँ। आप क्यों इख्तियार सारे मुझे देना चाहते हैं? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इख्तियार यूनियन काउंसिल लेवल पर जाए, ग्रास रूट तक, जो एक्चुअल यूनियन काउंसिल से आगे फिर सूबाई हलके तक जाए, सूबाई हलके से फिर आप तहसील तक जाए, तहसील से आपका ज़िला तक आए, ज़िले के बाद आपका पंजाब तक आए। ये एक मेरी सोच है और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते। तो अब इंशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि आई हैव मैनेज्ड, सब दोस्तों को अब इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं, मान गए हैं कि हम प्रेजिडेंट किसी को नहीं बनाएंगे, हम ऑर्गेनाइज़र बना देंगे। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में और हर जो रूरल एरिया है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। लेकिन उनके पास टास्क होगा कि अगर वो इतनी मेंबरशिप करेंगे,
जब तक पीपी का सूबाई हलके का उम्मीदवार जब तक 200 मेंबर नहीं होगा कम से कम, हम वहाँ तंजीम नहीं बनाएंगे। जब वो 200 मेंबर बना लेगा तो वो फिर 200 मेंबर जो है वो चुनेगा कि मेरा प्रेसिडेंट कौन, मैं नहीं चुनूंगा। और वो 200 मेंबर चुनेगा कि उनका जनरल सेक्रेटरी कौन। व्हाई डोंट वी गिव पावर टू द पीपल। तो इंशाल्लाह मैंने अब शुरू कर दिया है। और मैं हमेशा उनसे भी मैंने कहा, देखें भाई, जब मैंने एमपी का इलेक्शन लड़ने का सोचा था ना, मुझे कहते थे इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। जब मैं जीएसपी प्लस के लिए जद्दोजहद कर रहा था, जो कि इट वॉज ए माउंटेन टू क्लाइम, कोई सपोर्ट नहीं थी हमारी यूरोपियन, तब भी ऐसा बिल्कुल, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन था कि मेहनत करूँगा, मैंने करके दिखाया। फिर मैंने जब अस्पताल बनाए हैं तो मुझे सारे कहते थे कि गाँव में रूरल एरिया में तो कोई लेडी डॉक्टर नहीं मिलती, आप यहाँ पे गाय नहीं लाएंगे, आप यहाँ पैथोलॉजिस्ट जाएंगे, रेडियोलॉजिस्ट लाएंगे, चाइल्ड स्पेशल लाएंगे। अल्लाह के फजल व करम से रूरल एरिया में दोनों मेरे अस्पतालों में हर वो फैसिलिटी मौजूद है जो लाहौर में। सो आई बिलीव नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं पार्टी को एक जमहूरी पार्टी बनाना चाहता हूँ, ये मेरा ख्वाब है। दूसरा, मैं पार्टी के वर्कर्स को इज्जत देना चाहता हूँ। देखें, क्यों मैं फैसले करूँ कि फलां जो है, फलां हलका जो है, उसका जो MNA का कैंडिडेट है उसका फैसला मैं करूं? क्यों मैं ये कहूं कि उसका जो MPA का कैंडिडेट है उसका फैसला मैं करूं? वहाँ के जो मेंबर हैं, लोकल पीपल फैसला करें, उनको बेहतर मुझसे जानते हैं कि कौन उनके लिए इलेक्शन बेहतर लड़ सकता है, कौन उनकी खिदमत करता है। और फिर मैं आपको बताऊँ एक बात, इससे फ़ायदा ये हो, हमने देखा, मैंने नून में भी देखा, पीपल्स पार्टी में देखा, इधर तहरीक-ए-इंसाफ में देखा, कि अगर एक फैमिली का बंदा MNA बन जाता है, MPA बन जाता है, तो फिर जितने भी होते आते हैं, चाहे वो जो है PHA है, चाहे वो XYZ, जितने भी होते हैं हज़ारों के हिसाब से, वो कहता है मैंने अपने भाई को देना है, कोई कहता है कि मैंने अपनी साले को देना है, कोई कहता है मैंने अपने रिश्तेदार को। तो बेचारा वर्कर जो है उसका क्या काम है? उसका काम यही है कि वो दरियाँ बिछाए, वो नारे लगाए, वो जेलों में जाए, गोली खाए। लेकिन मैंने कम अज़ कम खुद वर्कर्स को इकतदार में हिस्सेदार नहीं देखा। वर्कर जो है इस मुल्क में, वर्कर जो है उसको अंदाज़ा नहीं कि उसकी ताकत क्या है। वर्कर ना हो तो कौन सी पार्टी सरवाइव कर सकती है? पॉसिबल कोई पार्टी नहीं सरवाइव। वर्कर, लेकिन वर्कर को इकतदार में आने में, शेयर देने में तो बड़ी बात है, उनको कोई शाबाश भी नहीं देता बुला के, भैया आपकी वजह से हम इकतदार में आए हैं। लेकिन जब इकतदार के मज़े ले रहे होते हैं वो तो वर्कर को बोले। मैं ये इस मुल्क में, मेरा जो सबसे बड़ा टास्क है, जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं अपनी पार्टी में वर्कर की से होगी, वर्कर को, जो मेरा MNA MPA का कैंडिडेट होगा उसको पता होगा कि अगर मेरा वर्कर ना शुरू हुआ तो जो पार्टी के मेंबर हैं, अगली सिलेक्शन उन्होंने करनी है उनकी, मेरी नहीं कि उनको खुशामद करने के लिए। वो खुशामद करें बाकी वहाँ पार्टी के मेम्बर से, क्योंकि उन्होंने सेलेक्ट करना है तो फिर उसने टिकट मिलना है, फिर उसने अपना इलेक्शन लड़ना है। तो इंशाल्लाह मेरी एक ख्वाहिश है, मेरा एक ख्वाब है, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मैं नहीं, मुझे भी पूरी उम्मीद हूँ, मैं जिस तरह आपके बाकी ख्वाब पूरे हुए हैं ये भी ख्वाब पूरा होगा इंशाल्लाह। लेकिन चूँकि सब आपको लगता है कि ये जिस जमात में आप अभी आए हैं, ठीक है, और उन्होंने भी आपको रिस्पेक्ट दी, आपने उसे बढ़ के रिस्पेक्ट दी है चोई साहब को, पहले एक र्यूमर्स था और ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप अपनी कोई जमात बनाने जा रहे हैं अपनी, लेकिन चले एक फ़ैसला हो गया, लेकिन आपको लगता है कि ये फैसले इम्प्लीमेंट हो पाएंगे या नहीं, या आप ये जो चीज़ें जो आप ख्वाब ले यानी तो ऐसे जाइए जमहूरियत में जैसे आप सोच रहे हैं। शुजात साहब का मैं बहुत ही मशहूर हूँ जी हाँ, कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है। फिर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब तारक बशीर चीमा साहब, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है, सालिक हुसैन ने किया है, शाफे ने किया है, और इंशाल्लाह मैं उनकी तवक्कात पे पूरा कर उतरूँगा। और मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की मजबूत तरीन जमात बनाऊंगा। लेकिन देखें मैं आपको बताऊं, मैं ओवरनाइट चीज़ों के नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं है। अगर मैं ओवरनाइट में होता, शॉर्ट टर्म सोचता, तो फिर मुझे किसी बड़ी पार्टी में जाना चाहिए था। मेरी जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि अगर मैं इस पार्टी को सही जमहूरी पार्टी बनाने में कामयाब हो गया और लोगों को पता चला कि दिस इज़ द पार्टी ऑफ द पीपल, और इसमें फैसले भी लोग करेंगे, इसकी जो मैनी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो किसी पाकिस्तान के 75 सालों में नहीं हुई, और मैं 20 साल से इसके लिए कंपेन कर रहा हूँ पाकिस्तान में, कि भाई जब आप अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त तैयारी करनी पड़ती है,
उस वक़्त टीमें बनानी पड़ती हैं कि हम हेल्थ को कैसे ठीक करेंगे, हम एजुकेशन को कैसे ठीक करेंगे, हम पुलिस को कैसे ठीक करेंगे, हम एनर्जी क्राइसिस को कैसे दूर करेंगे, हम जो है डेट जो इतना बड़ा है उसका इंटरेस्ट कैसे देंगे, रीपेमेंट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त करती हैं। मुझे बताएं कि जो यूरोप को लोग जानते हैं, कोई है सियासी जमात जिसकी शैडो कैबिनेट ना हो अपोजिशन, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है जब अपोजिशन में, कि इख्तदार कब हमें आना है, बाद में होता है जहन्नम में जाए, चले पार्टी ना चले, हुकूमत चले ना चले, इख्तदार में आना, और जिसकी वजह से सब लोग जो फेल होते हैं। देखिए मैंडेट दिया लोगों ने तहरीक इंसाफ, अगर तहरीक इंसाफ की तैयारी होती, डिलीवर किया होता, डिलीवर किया होता तो कौन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता था। जब पार्टियां मकबूल होती हैं तो उस वक़्त लोग आपको छोड़ के नहीं जाते। लोग उस वक्त देखें जब जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो ब्लेम करते हैं वो, लेकिन लोग उस वक्त चलते हैं जब उनको पता होता है कि नई पार्टी आ रही है, उसके पास वोट है, उसके साथ मिल जाओ तो हमें इलेक्शन में जीतने में आसानी है। वो इस चीज़ को लेके आ गए। इसलिए मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, इसके लिए वक्त लगेगा, कि लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान की हर चीज़ क्लॉक्स हो गई। ओके, एक अदारा मुझे बता दें कि जो सही कर रहा है, अदलिया को ले लें, 136वें नंबर पे है दुनिया में, या दुनिया में बॉटम से तीसरे चौथे नंबर पे है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है हमारा, और मैं समझता हूँ ठीक है कि लोग जो हैं, जाहिर है कि कंटेम्प्ट लग जाती है, लोग बात नहीं करते, मुहतात होते हैं, मुझे भी मुहतात बात करनी है, लेकिन इन अदारों को जो मासेस कह रहे हैं उनकी आवाज़ अपनी प्राइवेट पोलिंग करके लेनी चाहिए। हमारी हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये फिक्र नहीं है कि मेरा अदारा जो है 106वें नंबर पे है दुनिया में, मैं इसको 100वें नंबर पे लेके आऊँ, मैं 10वें नंबर पे लेके आऊँ, मैं अपने अदारे पे तवज्जो नहीं देता, मुल्क सारे को मैं चलाना चाहता हूँ। हर बंदा खराबी की जड़ ये है कि हेल्थ वाला यह कहता है कि जी मैं एजुकेशन चलाऊं, एजुकेशन वाला कहता है मैं एनर्जी चलाऊं, एनर्जी वाला कहता है मैं कुछ और चूँ, अदालतें चाहती हैं कि मैं अपना काम ना करूँगा, मैं मुल्क को चलाऊं, तो कैसे चलेगा ये? नहीं चलेगा ये, पॉसिबल नहीं। अपने अपने डोमेन में काम करें, एस्टेब्लिशमेंट अपने डोमेन में काम करें, अदालतें अपने डोमेन में काम करें। और फिर मैं सियासतदानों से ये कहता हूँ, जब सियासतदान इस मुल्क में अपने फैसले, सियासी फैसले अदालतों से करवाएंगे तो ये मुल्क की तबाही का बायस होगा। जो हो रहा है अभी, अदालतों को नहीं पता कि सियासत क्या है, दे डोंट नो पॉलिटिक्स, दे नो द लॉ। मिसाल के तौर पर मैं समझता हूं कि जो इलेक्शन है, मैं समझता हूं कि इलेक्शन होने चाहिए, मैं ये भी चाहता हूं कि अगर तरीके इंसाफ और पार्टियां दोनों पीडीएम मिलकर कहती हैं कि ठीक है भाई आप 30 अप्रैल मई के बजाय जुलाई में कर लो, वो कहते हैं 2 महीने पहले आ जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन इस बात पर मैं कंसिस्टेंट हूँ, मेरा बिलीफ है, मैं कहना है कि अगर पार्टी के अंदर इलेक्शन मुल्क में मुख्तलिफ वक्तों पे हुए तो दिस विल बी ए रेसिपी फॉर डिजास्टर फॉर दिस कंट्री। कैसे हो सकता है कि एक सूबे में एक तारीख को हो, दूसरे सूबे में एक तारीख को, पॉसिबल नहीं, और फिर ये पॉसिबल नहीं। अगर पंजाब में जो भी पार्टी नून जीत जाए कल को, जो है तहरीक इंसाफ जीत जाए, तो वो जो मरकज का इलेक्शन है, छोटे सूबे तो बेबस हो गए, मरकज भी बेबस, वहीं से सारी गेम आउट हो जाती है, गेम आउट पता चल जाए। भाई ये नहीं होना चाहिए, खुदा के लिए इस मुल्क का सोचो, इकट्ठे मिलकर बैठो। लेकिन हम नहीं सोचते, जब हम इक्तदार में होते हैं हम औरों को सोचते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ TLP, उनकी पॉलिसियों से मैं इख्तलाफ राय रख सकता हूँ, मैंने नेगोशिएट किया उनके साथ, मैंने उनसे कहा कि भाई ये जो आप कह रहे हैं फ्रांस के सफीर को निकालो, तो सारे सफीर 28 मुल्क के बाहर चले जाएंगे, तो मुल्क तो हमारा, तो हम तो क्या करेंगे, वो GSP प्लस ले लेंगे तो बैंक करप्ट हो जाए। बिल्कुल भाई ये पॉसिबल नहीं है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हुकूमत ने हमें लिख के क्यों दिया? उन्होंने मेरे सामने एक भी कर दिया। भाई जब आप लिख के देते हैं क्यों देते हैं? उनसे कहो भाई ये पॉसिबल नहीं, लेकिन मुझ में इतनी करेज है कि मैं कहता हूँ पॉसिबल नहीं। अच्छा फिर उस वक्त TLP पे पाबंदी लगाई, ऐसे कल अदम करार दिया, उस वक्त भी मैंने कहा कि नहीं गलत, मैं सियासी जमातों के पाबंदी लगाने के खिलाफ हूँ, ये नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जब हम इख्तदार में होते हैं नहीं सोचते। अब बात हो रही है तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगने की, उसके लिए भी मैं बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ कैमरा कह रहा हूँ,
हम पीडीएम का हिस्सा हैं। लेकिन अगर ये कोई सोच आई कि तहरीक इंसाफ आप रेजिस्ट करें, इसको कलदम करार देना है, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये एक आपकी मुल्क की जो सबसे बड़ी पॉपुलर जमात है उसको आप पाबंदी जो है वो नहीं लगा सकते। मैं तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं हूँ। अगर मैं इमरान खान की पॉलिसियों से मुत्तफिक होता तो मैं क्यों पार्टी आज उसका पार्ट होते हैं, मैं क्यों नहीं होता। लेकिन असूलों की बुनियाद पर मैं जो है अपने असूल नहीं छोड़ूंगा। मैंने इक्तदार की मुझे कभी परवाह नहीं रही ना होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने मुझे कारोबार में बरकत दी, चार्टी का काम किया बरकत दी, मुझे सियासत में इससे बड़ी क्या हो सकती है कि मैं दो दफ़ा गवर्नर रह चुका हूँ, मैं सेनेट का मेंबर रह चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक मैं हूँ जो दो मुल्कों की पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका है। मुझे बता दें अगर कोई और है तो, इधर भी रहा हो, ठीक है, फिर दो दफ़ा गवर्नर रहा हूँ, मेरे ख्याल में बाहर गवर्नर हूँ जो दो दफ़ा अपॉइंट हुआ, फिर दोनों दफ़ा कोई परवाह नहीं की, गवर्नर की हक बात सच बात कही जब जब मौका मिला। तो मैं ये कहता हूँ सियासतदानों को, खुदा के लिए ये मुल्क हमारा है, पाकिस्तान के आवाम मुश्किल तरीन सूरत हाल, हमारा सूरत हाल ये है कि भाई हमारे मुल्क पर सिर्फ 5% लोगों का कब्जा है, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं। ये कौन सी जमहूरियत है, 20 करोड़ रुपया लगाएं आप MNA बन जाते हैं, 10 करोड़ लगाएं MPA बन जाते हैं, फिर जो 20 करोड़ है उसको आप 2 सालों में पूरा करते हैं, बाद में प्रॉफिट कमाते हैं। दुनिया में कौन सी जमहूरियत है जिसमें MPO को कहा जाता है कि आपके पास 1 अरब के ठेके हैं, MNO को कहा जाता है 2 अरब के ठेके हैं। पाकिस्तान वो जब मैं पाकिस्तान आया था तो 10-15% कमीशन था, अब 50% से ऊपर चला गया। किसको नहीं पता, मुझे बताएं किसको नहीं पता क्या हो रहा है। वो पाकिस्तान सिंक हो रहा है और इन लोगों के बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं। कमीशन है, चोरी है, डकैती है, मुल्क के रिसोर्सेज पे डाका है, और सिर्फ 95% लोग बेचारे इस मुल्क में गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फाका कशियों पर मजबूर हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है। अल्लाह की कसम मैं खा कहता हूँ कि मैं रमज़ान की आमद आमद है और मैं हर रोज़ रात को परेशान होता हूँ कि बहुत से लोग मेरे भाई बहने होंगे जिनके पास रोज़ा रखने के लिए नहीं है, हकीकत है, बहुत से होंगे खुशियाँ कर रहे हैं, और एक तरफ ऐसे लोग हैं उनके पास अरबों रुपया है, उनको पता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो पाकिस्तान में जंग हो रही है ये जालिम और मजलूम की जंग नहीं है, ये ताकतवर और कमज़ोर की जंग नहीं है, ये अमीर और गरीब की जंग नहीं है, ये हक और बातल की जंग, ये हक और बातल की जंग नहीं है, ये इक्तदार की जंग है। और दोनों तरफ उमराह हैं, दोनों तरफ सब पार्टियों में मुझे बताएं कितने लोग हैं ईमानदार, हर जगह कोई पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि सारे ईमानदार मेरी पार्टी है, कोई नहीं कर सकता, हर जगह आटे में नमक है। सर पार्टियां उनके बगैर चलती भी तो नहीं, लोग खान साहब आए थे, खान साहब ने नारा लगाया था चेंज करेंगे हम सब कुछ, उसमें उस पार्टी में भी तो वही लोग काफी से जो मुख्तलिफ पार्टीज में रहे। इसीलिए मैं कहता हूँ चेहरे नहीं निजाम, निजाम मैं कहता हूँ हम इस मुल्क में, ये PTI के भी हक में होगा, ये नून के भी हक में होगा, ये पाकिस्तान के भी हक में होगा कि हम इस मुल्क में जो अजारादारी है 500 खानदानों की, जिसने बनना है MNA MPA, इसका एक ही तरीका है कि हम यहाँ पर मुतनासिब नुमाइंदगी लेते हैं जो ज़रूरी है। मैं आपको बिल्कुल, मलक मिराज खालिद साहब पाकिस्तान का एक लीडर है जो दरवेश था, सियासी लीडर, वो भी PTI का हिस्सा रहे हैं। नहीं वो थे, सॉरी पीपल पार्टी, ठीक है, वो दूसरे, ठीक है जी। तो वो 6, उसके वालिद के 6 एकड़ थे। अच्छा, जिस दिन वो फौत हुआ है उस दिन भी 6 एकड़ थे। जिस 2 रूम के फ्लैट में वो रहता था बिटन रोड पर, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उसी में रहा और उसी में वो फौत हुआ। ये लोग होते हैं अजीम। उसने बड़ी खूबसूरत उसकी मैं मिराज नामा किताब पढ़ी है, उससे आज से कई साल पहले कहा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल मुतनासिब नुमाइंदगी, और उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर पार्टियां चुनेंगी, दौलत का ख़त्म हो जाएगा, फिर जो पार्टी डिलीवर करनी चाहेगी उनको कोई रोक नहीं सकेगा, सिस्टम है ना, सिस्टम, फिर सिस्टम आ जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसमें छोटी पार्टियां जो हैं उनको नुमाइंदगी मिल जाएगी, वो अच्छे लोग पार्लियामेंट में पहुँच जाएंगे। लेकिन जो प्रेजेंट सिस्टम है इससे मुझे पाकिस्तान में कोई अमीर की किधर नज़र नहीं आती। चले
उम्मीद रखनी चाहिए। जी नागरिक, आप देख रहे हैं चौधरी सरवर साहब की हकीकत से मबनी बातें आज सुन रहे होंगे इंटरव्यू में। इस वक्त मैं स्मार्ट से एक ब्रेक लेता हूँ, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मुस्लिम लीग में भी रहे, सब जमातों में रहे, आला जिम्मेदारी अपनाई, पीटीआई छोड़ने की एक वजह और इस जमात को ज्वाइन करने की कोई एक एजेंडा, प्लीज़। जी वेलकम बैक नाजरीन। मैंने जैसे पहले इंटरव्यू में कहा था कि कुछ लोग होते हैं जो ख्वाब देखते हैं और ख्वाबों की हकीकत तक पहुंचते हैं, उनमें से एक चौधरी सरवर साहब मेरे मोहसिन हैं, मेरे अजीज़ हैं और दोस्तों में से भी शुमार किया जाता है। चौधरी साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट 1 मिलियन यानी कि वैल्यू का क्वेश्चन है ये। मुस्लिम लीग में भी रहे, सब जमातों में रहे, आला जिम्मेदारी अपनाई, पीटीआई छोड़ने की एक वजह और इस जमात को ज्वाइन करने की कोई एक एजेंडा, प्लीज़। अगर एक वजह अगर आप पूछेंगे ना जी, कि देखें मेरा एक इशू है कि मैंने सारी पॉलिटिक्स अपनी ज़िंदगी बरतानिया में गुजारी और बरतानिया में किसी फ़र्द वाहिद के पास अब्सोल्यूट पावर नहीं होती, तो वहाँ पर अगर पार्टी का लीडर भी है, अगर पार्टी का लीडर है और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है या पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अगर उनकी तादाद ज़्यादा है तो फिर लीडर की बात नहीं मानी जाती, मेजॉरिटी की बात मानी जाती। तो मुझे पीटीआई में तो सिर्फ एक ही है कि वहाँ पर फैसले जो हैं वो कंसल्टेशन बहुत होती है, मीटिंग बहुत होती हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन सिर्फ खान साहब का, ठीक है, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा है और मुल्क को भी नुकसान कर, ये मेरा एक ठीक है अपने ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, ठीक है। वरना इस पार्टी के पास बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बहुत वर्कर, बहुत मैं कहता हूँ कि जितना एनर्जेटिक पीटीआई का है ऐसा वर्कर एक वक्त में भुट्टो साहब का था, उसके बाद किसी पार्टी को ये नसीब नहीं हुआ कि इतना एनर्जेटिक वर्कर जो है किसी के पास हो, तो मेरी ये एक वजह थी, ठीक है। तो बाकी जो ज्वाइन करने की वजह है वो ये है कि मेरी जितनी भी मैंने लोगों के साथ कंसल्टेशन की, एक साल में पिछले रमज़ान में मैं लोगों से मशावरे शुरू कर दी, तो मेजॉरिटी लोगों का ये व्यू था कि अपनी पार्टी बनाओ। जसवाज जी, हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितने भी दोस्त थे जी जी मेजॉरिटी, बल्कि देखें दोस्तों हर पार्टी में होते हैं, मेरे दोस्त पीटीआई के हैं, भाई हैं, आपको दुश्मन तो नहीं है, उनसे भी जब मशवरा होता था उनके जो सीनियर दोस्त हैं वो भी कहते हैं यार आप बनानी है लेकिन अपनी बनाओ, आपकी कोई और भी जाएंगे पार्टी में तो बनेगी नहीं। दो दफ़ा आपने एक्सपीरियंस कर लिया, यूरोप में भी लोगों ने यही कहा। तो इस इन द प्रोसेस चौधरी शुजात साहब मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि भाई जब तक परवेज़ अलाई साहब के साथ आपके मामला नहीं हल हो, सेटल डाउन नहीं हो जाते तब तक ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस दिन परवेज़ अलाई साहब ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की तो उस दिन मुझे तकरीबन यूनानी मसली 3-4 दिनों में जिनसे भी बात की उन्होंने कहा कि भाई ये भी आप समझें कि एक तो सबसे पुरानी पार्टी भी है, ये रीजनल मुस्लिम लीग है, और दूसरा इसमें आपको किसी किस्म की भी चौधरी शुजात से रुकावट भी नहीं होगी जिस तरीके से आप चाहेंगे। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारा अजलास हुआ है जिसमें 1500 लोगों ने शिरकत की है पूरे पाकिस्तान से, कोई लोग भी जो 5% छोड़ के हमें जाना भी चाहते थे सब वापस आ गए हमारे साथ, ठीक है जी। इसलिए कि मेरे ख्याल में जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मेंबर्स की, वो जितना मर्जी परवेज़ अलाई साहब को इसमें नहीं, उनको लाइक करते हैं पार्टी के अंदर लोग, पहले तो एक ही थे ना, लेकिन उनके इस फैसले को उन्होंने इंडोर्स नहीं, वो समझते कि हमसे ये फैसला नहीं किया गया। तो अगर परवेज़ अलाई साहब इस पार्टी में होते तो फिर मैंने नहीं आना था। तो जब वो छोड़ गए तो लोगों ने कहा कि भाई जब आपको पूरी पावर मिल रही है तो फिर तकरीबन मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई 1% भी लोग नहीं होंगे जिन्होंने इससे मुझे इंडोर्स ना किया, तो इसलिए मैं, यानी कि आप सेटिस्फाई हैं, आप समझते हैं कि जो आपका मैंने अपना ड्रीम जो है, ख्वाब जो है, मैं पूरा कर पूरा इक्तदार में, मैं आपको बताऊं मेरा इक्तदार मंजिल नहीं, आई नो यू आर सोशल वर्कर, मैं सोशल वर्कर हूं, मैं अगर इसको एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूं, एक अदारा बनाना चाहता हूं जो कि लेगेसी मेरी यही छोड़ के जाना चाहता हूं, और मुझे अल्लाह के घर से पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे इसमें इंशाल्लाह जो है सब, और मैं ये करके दिखाऊंगा लोगों को कि भाई
इस तरीके से, अगर ये जमहूरियत पाकिस्तान के लोग ऐसी नहीं है कि कोई अमेरिका के लोग हमसे बरतर लोग हैं, हमसे बेहतर लोग हैं, ये तो एक हमें डेवलप कर दिया, ये जो ठग हैं हमारे मुल्क के, उन्होंने प्रोपोगंडा इतना किया है कि वो कहते हैं जी सारा मुल्क ही चोर है जी, इस वास्ते चोर ही है जी, सारा मुल्क ही बिगड़ा। और नहीं, सारा मुल्क नहीं बिगड़ा है, सारा मुल्क ठीक है, चोर चंद ने, जिन्होंने साडे मुल्क नूं यरगमाल कीता है, 5% से भी कम है, ठीक है जी। मुझे बताएं कि अगर ये मुल्क में सारे चोर होते तो अखुवत वालों ने 4 मिलियन लोगों को लोन दिए हैं, गरीब लोगों को दिए हैं, किसी को 1 लाख दिया है, किसी को 50,000 दिया है, तो वही 99.5% लोग क्यों वापस कर रहे हैं पैसे अगर ये करप्ट है? बल्कि ये नहीं कर रहे, मैं आपको बताऊं, वो ये कर रहे हैं कि अगर उनकी किस्त जो है रीपेमेंट 200 रुपया है तो उसमें 10-20 रुपए डोनेशन भी दे रहे हैं। तो ये कौम भाई, ये करप्ट नहीं है सर। एक जो रेडी वाला अपने हलाल की रोज़ी कमाता है, एक छापड़ी वाला हलाल की रोज़ी कमाता है, एक मज़दूर जो है वो बेचारा 20,000 रुपए में कैसे गुजारा करता है। और मैं आपको बता दूं, मुल्क के साथ लायल भी वही, खुदा की कसम ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मुल्क के साथ इसके साथ कोई लायल है ना, वो 95% जो फाका कशी कर रहे हैं वो इस मुल्क के साथ मुखलस हैं, जो इस मुल्क में बिलियन बना के बाहर भी जदातें बना रहे हैं, लूट रहे हैं इस मुल्क को, वो इस मुल्क के साथ मुखलस भी नहीं। भाई साहब, मेरी और मेरे दारी की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला ने जो मनसब आपको दिया है, मेरे पर्सनली मैं चाहता हूँ आप जैसे लोगों की कदर करता हूँ, क्योंकि आप वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए सब कुछ छोड़ के आए हैं, आप किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन इंशाल्लाह ये प्रूफ पहले भी आपने किया और अभी जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इंशाल्लाह मुझे पता है कि आप करेंगे इंशाल्लाह। ये नाज़रीन देखा आपने आज चोई सरवर साहब ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में हमारे गेस्ट थे। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। इसके साथ शाहिद मियाँ को इस सफ़र से इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। चोई साहब, आज आप हमारे स्पेशल गेस्ट थे मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से, तो हम ये पाकिस्तान लार्जेस्ट ग्रुप है स्टील इंडस्ट्री का, उन्होंने आपके लिए स्पेशल भेजा है जो आपको हमेशा याद रहेगा कि ख्वाबों से तबीर तक हमारे साथ है। थैंक यू, शुक्रिया जी। मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल। अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।